चंडीगढ़ में बुधवार को झारखंड के पूर्व राज्यपाल बलरामजी दास टंडन की पहली बरसी पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ पहुंचे। यहां पर चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर भी मौजूद रहे। वहीं इस प्रोग्राम में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बलरामजी दास टंडन को याद करते हुए मेमोरियल लेक्चर दिया। वहीं इस मौके पर मौजूद रहे भाजपा राज्य प्रधान संजय टंडन ने कहा कि उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर उनके पिता को याद करते हुए मेमोरियल लेक्चर्स की सीरीज शुरू की है, जिसका पहला लेक्चर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा पेश किया गया। आज मेरे पिताजी बलराम जी दास टंडन को अपने जो एक साल पहले हमने उनको खो दिया था, उनकी स्मृति में हमने पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एक बलराम जी दास टंडन मेमोरियल लेक्चर की सीरीज को शुरू किया। उस सीरीज का पहला लेक्चर जो है वो आज आदरणीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी द्वारा आज प्रस्तुत किया गया, और ऐसी सीरीज हम आगे भी आने वाले समय में वो करते रहेंगे, और मेमोरियल लेक्चर जो है कम से कम साल में एक बार जरूर होगा। इसके साथ ही साथ हमने एक और घोषणा करी है कि जैसे पिताजी जो विधवाओं की मदद के लिए उन्होंने कई जगह कार्य शुरू किए थे, तो ऐसा एक प्रोजेक्ट जो है उनके आने वाले जन्मदिन पे 1 नवंबर को हम चंडीगढ़ से भी शुरू करने का जो है उसका बीड़ा उठा रहे हैं। इस दौरान वेंकैया नायडू ने बलराम जी दास टंडन को याद करते हुए लेक्चर में कहा कि वो देश के सच्चे नेता थे। वो बड़े बड़े पद पर रहते हुए भी कभी व्यक्तिगत हित को उन्होंने आगे नहीं आने दिया, और वो हमेशा अपने देश और लोगों के लिए काम करते थे। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए शाइना शर्मा की रिपोर्ट।